हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल MSG करियर पॉइंट। डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल गोइंग टू टीच यू क्लास 7th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नेम इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अरे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, जिसमें हम अबाउट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स जानेंगे एंड द थ्री टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन प्रकार के होते हैं, उसको हम यहाँ पर सीखेंगे। उसके पहले मैं आसान शब्दों में आपको बता दूँ फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है। स्टूडेंट, फाइनाइट वर्ब वह होता है जो सेंटेंस में नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाए। जैसे मैं कहूँ आई गो, आई वेंट, आई हैव गॉन, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर गो बदलता जा रहा है टेंस के अकॉर्डिंग। गो हुआ, फिर वेंट हो गया, गॉन हो गया, है ना। तो इसका मतलब फाइनाइट वर्ब है गो। और नॉन फाइनाइट वर्ब होता है जो सेंटेंस में नंबर, पर्सन, टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलता। ठीक है, मैं जैसे कहूँ आई गो टू वॉक, आई गो टू वॉक, आई वेंट टू वॉक, आई हैड गॉन टू वॉक। बात समझ में आ रही। देखिए, लास्ट का टू वॉक जो है वो नहीं बदल रहा है, जबकि फर्स्ट वर्ब गो, वेंट, गॉन बदल जा रहा है। ठीक है, आइए हम देखते हैं नीचे इन डिटेल में। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करने से पहले ही आप जान चुके हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। आइए अब हम यहाँ से रूल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सच में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एक बार। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, यहाँ पर वही सब दिया है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं बेटा। या हम आ चुके हैं अब अगले पेज पर। आप भी अपने बुक में पेज को टर्न कर लें। यस, मोस्ट फाइनाइट वर्ब फॉर्म द पास्ट टेंस फॉर्म बाय द एडिंग डी ई डी एट द एंड। आप जानते हैं बहुत वर्ब ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में हम डी और ई डी लगा के उसको पास्ट में अथवा पास्ट टेंस या फिर थर्ड फॉर्म, पास्ट टेंस को जिसको आप सेकंड फॉर्म कहते हैं एंड नेक्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है। कहने का मतलब वर्ब को अगर डी एंड ई डी लगाकर सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, रेगुलर वर्ब ना। एंड हाउएवर वी नो दैट इररेगुलर वर्ब मेक्स देयर पास्ट टेंसेज इन डिफरेंट वे। और जो डी अथवा ई डी लगाकर सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म न बनाया जाए उसको इररेगुलर फॉर्म कहते हैं, मीन्स इररेगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए सी डांस ग्रेसफुली। डांस क्या है, फाइनाइट वर्ब है और तो और रेगुलर वर्ब भी है। ठीक, दे इट द डिनर एंड लेफ्ट। अब देखो बेटा एट द एयरलैंड, देखिए ई डी नहीं जुड़ा है इसमें, एट मीन्स क्या है, इररेगुलर वर्ब है। और क्या है, और क्या है बेटा, फाइनाइट वर्ब है और इररेगुलर वर्ब के नाम से भी हम जानेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस फाइनाइट वर्ब हैव एज एस एट द एंड व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अब देखिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में हम एस या ई एस ऐड कर देते हैं, ये तो आपको पता है। तो इसलिए साहिल बुक कुक्स टेस्टी फूड, कुक में एस जोड़ करके बना दिया गया है टेंस के अकॉर्डिंग। ही राइट्स पोएम वेरी वेल। एंड थर्ड एग्जांपल इज इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सिटीजन। ठीक, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। ओके स्टूडेंट, अब आप इस सेंटेंस में सोच रहे हैं कि सर वर्ब कहाँ है, इसमें वर्ब कहाँ है,
मीन्स फाइनाइट वर्ब रेगुलर इरेगुलर कहाँ है? तो देखिए, एंशियंट नाउन है, एंशियंट सिविलाइजेशन ए नाउन है बेटा, मीन्स प्राचीन सभ्यता। बट जब वर्ब ना हो, कोई मेन वर्ब ना हो, तो उस समय हेल्पिंग वर्ब जो होता है इज, देखिए इज हेल्पिंग वर्ब जो होता है वही मेन वर्ब का काम करता है, वही मेन वर्ब का काम करता है। तो यहाँ पर वर्ब का वर्ब कौन कर रहा है? इज। ठीक, इज हियर इज फाइनाइट वर्ब। इज क्या है यहाँ पर? फाइनाइट वर्ब है। आई होप आप समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑल सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस हैव एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब। हर सेंटेंस अथवा क्लॉज कम से कम एक फाइनाइट वर्ब जरूर लेता है। ठीक, बात आपको समझ में आ गई। दे डोंट, दे विल बी कॉल्ड फ्रेजेस, बट उनको फ्रेज नहीं कहेंगे। क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस हैव वन फाइनाइट वर्ब। ठीक, बट उसको फ्रेज नहीं कहेंगे। आइए यहाँ समझते हैं। वी आर ब्रेव गर्ल्स, समझ रहे हैं? आर क्या है? फाइनाइट वर्ब कवर कर रहा है। आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब भी होता है। हाँ, हेल्पिंग वर्ब है, बट यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है। मीन ब्रेव बहादुर होता है, यह वर्ब नहीं है। वर्ब पहचान क्या है बताइए? वर्ब की पहचान यही है, हिंदी से आप समझिए, कि जिसके हिंदी वर्ड के लास्ट में ना पाया जाए वो वर्ब होता है, मीन्स एक्शन वर्ब। मैं आपको बताऊँ, जैसे करना, खाना, जाना, नहाना, पीना, लड़ाई करना, झगड़े करना, लिखना, पढ़ना, सब में ना आ रहा है, तो सबकी इंग्लिश भी जान लो, बस उसकी इंग्लिश वर्ब होती है, बहुत आसान है। बट यहाँ पर वर्ब नहीं है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो आर है, आर वही मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया। ठीक, तो आर फाइनाइट वर्ब मिल गया आपको, समझ में आया? ठीक, आर गर्ल्स टू वॉक फ्रॉम हेयर टू मेन स्ट्रीट। देखिए, नो फाइनाइट वर्ब, सो इट्स फ्रेजेज। एक मिनट, अभी आपने यहाँ देखा कि सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब होता ही है, होता है। जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं हो वो फ्रेजेज बनेगा, बट जिसमें फाइनाइट वर्ब हो वो फ्रेजेज नहीं होता, बल्कि क्या होता है? क्लॉजेज होते हैं, क्लॉज होता है। ठीक है, अब टू वॉक फ्रॉम हेयर टू मेन स्ट्रीट फाइनाइट वर्ब नहीं है, एक भी नहीं है, इसलिए फ्रेज मान लिया गया। ठीक, अब देखिए, राशिद प्लेज द फ्लूट इन आवर बैंड्स। प्ले इज फाइनाइट वर्ब, आप समझ गए हैं, प्लेज क्या है? फाइनाइट वर्ब है। एंजॉयिंग द इवनिंग, इसी का पार्ट है, एंजॉयिंग द इवनिंग। अब इसमें आप अगर देखते हैं तो एंजॉयिंग क्या होता है? एंजॉयिंग क्या है? आनंद लेना। इवनिंग नाउन है, और कहने का मतलब आपको वर्ब देखना था, कोई वर्ब नहीं है, इसलिए यह पार्ट क्या बन जाता है? यह पार्ट क्या बन जाता है? फ्रेज बन जाता है। फ्रेज किसी भी स्मॉल सेंटेंस में जब वर्ब ना दिया रहे, क्रिया ना दी रही हो, तो फ्रेज कहते हैं। आई होप गाइज आपको फाइनाइट वर्ब अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आगे अब हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया, जो वर्ब टेंस, नंबर, पर्सन के अकॉर्डिंग ना चेंज हो, उसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ठीक, देखते हैं एग्जांपल। दे वांटेड टू अटेंड अ म्यूजिक कंसर्ट। देखिए, यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस है। दे वांटेड, देखिए वांट क्या है? वांट वर्ब होता है ना, वांट वर्ब होता है, और इसमें डी जुड़ गया है, मीन्स वांटेड हो गया है, ई डी एड करके। कहने का मतलब यह तो फाइनाइट हो गया, क्यों? क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग बदल गया है, डी से ई डी जुड़ गया है, पास्ट फॉर्म में हो गया, मीन्स टेंस बदल गया है इसका, मीन्स फाइनाइट वर्ब है। आगे टू अटेंड, अटेंड मीन्स अटेंड करना, कहीं पर शामिल होना। ठीक, टू अटेंड, अटेंड क्या है? वर्ब है, वर्ब है, और चेंज नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ। कहने का मतलब यहाँ आपको मिल गया फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ये क्या है? नॉन फाइनाइट। ठीक, देखिए, वांटेड फाइनाइट वर्ब, अटेंड नॉन फाइनाइट वर्ब। इसमें देखिए, दे इंजॉयड है फाइनाइट वर्ब, सॉरी एक मिनट बच्चों, हाँ क्या है? फाइनाइट वर्ब। एंड वॉचिंग क्या है? वॉचिंग क्या है?
नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए अभी आपको इसमें थोड़ा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि आईएनजी ऐड हो गया है। आपको नॉन फाइनाइट वर्ब थ्री टाइप के पढ़ाए जाएंगे। यह वाचिंग जो है ए पार्टिसिपल फॉर्म है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल स्पेलिंग देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, बात पर ध्यान दीजिए, ठीक है। पार्टिसिपल फॉर्म है, मतलब ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, वही ऊपर जो मैंने समझाया वही दिया है सेंटेंस। यहाँ पर लिखा गया सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, और इसमें देखिए वांट टू अटेंड पास्ट टेंस में है, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। इसको देखिए पास्ट टेंस में है, एंड इज एंजॉयड सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। यस बच्चों देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऑफन कम आफ्टर द फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब होता है जो फाइनाइट वर्ब के बाद ही आता है ना, फाइनाइट वर्ब के बाद ही आता है। अभी आपने देखा ही वांटेड टू वॉचिंग टीवी ना, मैंने भी जैसे बताया आपको आई गो टू वर्क, आई वेंट टू वर्क, है ना। वेंट क्या है, फाइनाइट वर्ब, उसके बाद आता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पर लिखा गया है नॉन फाइनाइट वर्ब ऑफन कम आफ्टर द फाइनाइट वर्ब इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब के बाद ही नॉन फाइनाइट वर्ब आता है, ठीक। और समटाइम्स दे कम्स एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी नॉन फाइनाइट वर्ब आ सकता है। बच्चों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन यह मायने नहीं रखता है, बस मायने यह रखता है कि आपको रोल समझ में आ जाएं, सारे रोल्स आपको समझ में आ जाएं। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, नॉट फॉर द टाइम, ठीक है। तो आप समझिए, वीडियो कितना भी लंबा हो जाए आप देखिए वीडियो को, कई बार देखिए और समझ जाइए, क्योंकि एक बार अगर आप रूल समझ गए तो लाइफ भर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रामर का रूल जो होता है एक फर्म होता है, सेम होता है, कभी भी रूल बदलता नहीं है। इसलिए एक बार हम सीख लें तो सिक्स, अभी सेवन में पढ़ रहे हैं, सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व, कितना भी आप पढ़ाई कर लें ग्रामर का रूल यही रहेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अंडरलाइन द फाइनाइट वर्ब्स एंड सर्कल द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखिए सेंटेंस दिया है, फाइनाइट वर्ब को अंडरलाइन करता है करना है और नॉन फाइनाइट वर्ब को सर्कल करना है। तो चलिए देख लेते हैं। शी वर्क्स हार्ड वेरी एवरी डे टू अर्न अ लिविंग, ठीक है। वर्क क्या है, वर्क क्या है, फाइनाइट वर्ब है, अंडरलाइन कीजिए। एंड टू अर्न क्या है, टू अर्न नॉन फाइनाइट। देखिए यहाँ टू जो लगा है बच्चों, टू टू इज अकार्ड इन्फिनिटिव, यूज ऑफ इन्फिनिटिव, बट यहाँ पर अर्न को ही आप अर्न प्योर, अर्न क्या बेटा, अर्न प्योर फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, अर्न प्योर नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो टू ना कह के आप अर्न भी जाने तो अच्छा है। टू क्या है, हमने बताया आपको टू क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट विल हेल्प इन, हेल्प क्या है, फाइनाइट वर्ब, इन सॉल्विंग द पेपर प्रॉब्लम। सॉल्विंग क्या हो गया, इसको अंडरलाइन करेंगे बेटा, सॉरी सर्कल करेंगे, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब और हेल्प क्या है, फाइनाइट। थर्ड नंबर देखिए, टॉट फाइनाइट और स्नैक विथ अ स्टिक, स्नैक नाउन है, स्टिक नाउन है, इसलिए केवल इसमें फाइनाइट वर्ब भी है। इसके पहले अभी हमने आपको बताया था कि सेंटेंस का निर्माण फॉर्मेशन फाइनाइट वर्ब से हो सकता है, उसके बाद नॉन फाइनाइट आ जाए चलेगा, लेकिन किसी सेंटेंस का निर्माण ओनली एंड ओनली नॉन फाइनाइट वर्ब के द्वारा नहीं हो सकता, ठीक, लेकिन फाइनाइट के द्वारा हो सकता है। देखिए यहाँ पर फाइनाइट वर्ब आ गया लेकिन नॉन फाइनाइट
फाइनाइट वर्ब नहीं आया फिर भी सेंटेंस आपका हो गया है, ठीक। अगर यहीं पर नॉन फाइनाइट वर्ब आ जाता तो सेंटेंस गलत माना जाता, नहीं बनता। बस देखिए, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर एंड सेवन्थ नंबर, सब पे हमने कर दिया है। देखिए टू ना लगाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि टू बोले या ना बोले आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं माना जाएगा। देखिए वर्क फाइनाइट एंड टू कंप्लीट, या फिर कंप्लीट कंप्लीट नॉन फाइनाइट वर्क, वन कंप्लीट, स्कोरिंग स्कोरिंग बेटा देख लें इसको, देखिए मिस हो गया, स्कोरिंग क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्क, ठीक। टेन नंबर पॉसिबल फाइनाइट एंड आंसर नॉट फाइनाइट नॉन फाइनाइट। इलेवेंथ में देखिए रन फाइनाइट एंड मेक नॉन फाइनाइट। ट्वेल्व में देखिए बच्चों कंट्रोल फाइनाइट एंड मेक नॉन फाइनाइट। तो आप ऐसे ही अंडरलाइन और सर्किल बना लेंगे, ठीक। मैं हाँ आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों, यहाँ पर आइए, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके लिए, यहाँ से हम आपको बताते हैं। व्हेन द इन्फिनिटिव फॉलो सर्टेन वर्ब टू इज ऑफन ड्रॉप्ड, सच वर्ब्स आर हेल्प डेयर लेट मेक नीड्स ऑब्जर्व ही आर सी वाज बिहोल्ड फील इटीसी। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जितना भी सेंटेंस देखा उसमें फाइनाइट वर्ब के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब जो आया उसके पहले टू जरूर लगा था ना, याद होगा। मैं आपको पीछे पेज टर्न करके दिखा दूं। देखिए टू अर्न और मैं दिखाऊं आपको, कही है जो इंग फॉर्म आया है वो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसमें टू नहीं लगेगा। बट देखिए यहाँ टू कंप्लीट, टू आंसर है ना, टू मेक। तो अभी तक आपने देखा कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब आ रहे हैं उसके साथ टू जरूर आ रहा है, और टू मैंने बताया आपको क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव यूज ऑफ इन्फिनिटिव्स कहते हैं। बट ऐसे भी सेंटेंस में वर्ब आते हैं जिनके पहले टू नहीं आता, कौन कौन से हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे और इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, लोग यहीं पर मिस कर जाते हैं। लेकिन आपको रट्टा मार लेना है यहाँ पर। हेल्प डेयर लेट मेक नीड ऑब्जर्व हियर सी वाज बिहोल्ड फील इटीसी। यह आ जाए अगर नॉन फाइनाइट वर्ब में तो उसके पहले टू नहीं लगेगा, बस इतना जानिए। अब देखिए एग्जांपल हम बता देते हैं, यहाँ पर है नीना डिड नॉट डेयर, डेयर आ गया बेटा, डेयर यहाँ पर है, देखिए डेयर यहाँ पर है, हाँ डेयर यहाँ पर है, देखिए डेयर आ गया। इसके बाद अब टू नहीं आएगा नॉन फाइनाइट वर्ब में। डिसओबे क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, टू नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि डेयर है, डेयर आ जाए तो उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब के पहले टू नहीं लगता। इस बात को आप माइंड में बैठा लें एकदम। आई हर्ड हिम साउट, अब देखिए हर्ड हिम साउट, टू साउट नहीं आया बेटा, क्यों नहीं आया, क्योंकि आपको मैं रूल दिखा दूँ, एक मिनट हियर, देखिए हियर क्या है, सुनना, हियर का ही पास्ट फॉर्म हर्ड है हियर, तो हियर आ गया है इसलिए टू नहीं लगा, इसलिए साउट के पहले टू नहीं लगा, मीन्स ए भी करेक्ट है। मेड मी संग, देखिए सिंग, देखिए बेटा इसमें मेड आ गया, और यहाँ पर रूल क्या कहता है, मेक मेड मेड होता है ना, आप जानते हैं फॉर्म, तो पास्ट फॉर्म भले ही आ जाए बट मेक मेड तो सेम है ना। अब सिंग आ गया नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन टू नहीं लगा, कहने का मतलब इसके बाद टू नहीं लगता है। बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं आप सब, ऐसे ही पढ़ते रहें आप। लेट आ गया, लेट के साथ, देखिए लेट यहाँ पर है, लेट के बाद भी नॉन फाइनाइट वर्ब के पहले टू नहीं आता, ठीक है। इतनी बात आप जान गए तो आप समझिए कि बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लिए, क्योंकि बड़े बड़े लोग कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन आप नहीं फेल होंगे। हाँ यस बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट इन्फिनिटिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। देखिए बेटा
यहाँ पर आपको ब्रैकेट में जो वर्ड दिया है उसको इन्फिनिटिव फॉर्म में फिल करना है करेक्ट करके। ठीक, मैंने फिल किया है बेटा, मैंने फिल किया है टू नो, टाइम कम हो जाए इसलिए हमने पहले से ही सॉल्व कर रखा है। सेकंड का टू गो, थर्ड देखिए वर्क आया है, देखिए वर्क आया बेटा, मेड है, मेड आ गया है, मेड मेक आ जाए तो उसके बाद टू नहीं लगाते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ, याद है ना? हाँ याद होगा। फोर में देख लो बेटा, ऐसे ही आप फिल कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, स्टॉप करके, या फिर आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं हिट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। पार्टिसिपेट है बेटा, ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज को भी देख लें एक बार। करेक्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एन इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव हमने आपको बताया है कि वर्ब के पहले टू लगा दिया जाए तो इन्फिनिटिव होता है, और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए टू नहीं लगाते, जिसको आप रट्टा मारेंगे ऊपर वाला। तो इन्फिनिटिव बनाना है, सीधी सी बात। आई मैनेज टू मीट, माई मदर ऑफर टू ईट, हैव यू फॉरगॉटन टू यूज, आशा आस्क्ड प्रिया टू मिक्स साल्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे मेड आ जाए, लेट आ जाए, हियर आ जाए ना, फील आए, डिसओबे आए, तो उसके बाद टू नहीं लगाएंगे, आपको ऊपर पढ़ाया गया है, लेकिन इसमें टू लगा देंगे। ठीक, टू रीड, टू सिंग्स, टू ईट एंड टू गिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। माई डियर स्टूडेंट, लेट्स सी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग इन्फिनिटिव। वन हैज़ बिन डन फॉर यू। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज दिए गए हैं जिनको आपको इन्फिनिटिव का यूज करके एक सेंटेंस बनाना है, दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना है। ठीक, कैसे बनाते हैं, एक एग्जाम्पल दिया गया है। इसके पहले मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, मेरी बात को, क्यों? देखिए, दो सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब होगा। ठीक है, दो सेंटेंस अलग अलग हो, जैसे यहाँ पर वी वेंट टू द सिनेमा वन सेंटेंस है, वॉच्ड अ मूवी वन सेंटेंस है, मतलब दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस है, हर सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होना ही चाहिए। तो एक सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, वेंट है, और दूसरा सेंटेंस है तो उसमें भी फाइनाइट वर्ब होगा, और दो सेंटेंस है तो दो फाइनाइट वर्ब हो गया। और यहाँ बताया जा रहा है आपको कि दोनों को ऐड करके एक सेंटेंस बना देना है, कैसे? इन्फिनिटिव के हेल्प से। तो एक सेंटेंस जब बनेगा तो एक ही फाइनाइट वर्ब आएगा, दो फाइनाइट वर्ब आप नोट कर देंगे, मीन्स वेंट को, वॉच्ड को भी लिख देंगे, तो फिर सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, अब तो आपको समझ में आ गया कि किसी न किसी को अब नॉन फाइनाइट वर्ब बनाना ही पड़ेगा, है ना? देखिए यहाँ पर वी वेंट टू द सिनेमा टू वॉच अ मूवी। देखिए वी, और हाँ एक बात और, एक ही, देखिए एक ही पर्सन है, वी यहाँ पर भी है, इस सेंटेंस में भी है, और वी इस सेंटेंस में भी है, दो सेंटेंस में है, दो बार वी आया है, लेकिन एक ही सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो एक ही पर्सन को दो बार मेंशन करने की, दो बार उसका नाम लेने की क्या ज़रूरत है? कहने का मतलब एक सेंटेंस में एक पर्सन का एक ही बार मेंशन किया जाना चाहिए। ठीक, इसलिए वी को हटा दिया गया और वॉच्ड को टू लगाकर, टू याद आया आपको, नॉन फाइनाइट वर्ब वर्ब के पहले टू लगा देते हैं तो बन जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब, और टू वर्ब के पहले लगता है तो उसको कहते हैं यूज ऑफ इन्फिनिटिव। तो वी वॉच्ड को रिमूव कर दिया गया है और टू वॉच कर दिया गया, बस हो गया आपका सेंटेंस कन्फर्म। देन आफ्टर सेंटेंस बन गया वी वेंट टू द सिनेमा टू वॉच अ मूवी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये तो एग्जाम्पल दिया गया है, अब आपको करने हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ, वी रैंग द रेलवे इंक्वायरी, वी आस्क फॉर सम इंफॉर्मेशन। ठीक, अब क्या है, वी रैंग द रेलवे इंक्वायरी एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है वी आस्क फॉर सम इंफॉर्मेशन।
मैंने इसको किया है देखिए। तो क्या करना है, आस्क को, आस्क्ड को रिमूव करके टू आस्क लिखना है, वी को हटा देना है, ठीक। इसको ऐसे करके टू आस्क बन जाएगा, वी रैंग द इंक्वायरी, रेलवे इंक्वायरी टू आस्क फॉर सम इंफॉर्मेशन, टू आस्क फॉर सम इंफॉर्मेशन। ये देखिए इतना, इसको आप रिमूव करके, एक मिनट बेटा, फुल स्टॉप भी हटा देंगे, फुल स्टॉप को भी हटा देंगे, वी आस्क्ड को रिमूव करके टू आस्क लगा देंगे, बाकी सेंटेंस को ऐड कर देंगे करेक्ट, ठीक। बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और आगे बढ़ते हैं। अब आपको अपने आप से करना है, तभी मैं जानूंगा कि आपको आ रहा है। तो यह एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क रहेगा, होमवर्क रहेगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो चलिए एक और मैं बता दूँ सेकंड का। स्टूडेंट्स वेंट टू अ रेस्टोरेंट, दे हैड डिनर देयर। अब देखना, द स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए दे आया है, कहने का मतलब किसी एक को हटा दीजिए, यहाँ पर दे हैड टू डिनर को रिमूव कर दीजिए और लगाइए द स्टूडेंट वेंट टू अ रेस्टोरेंट टू इट डिनर देयर। देखिए टू इट लगा दीजिए, टू इट डिनर किया या फिर डिनर खाया, ठीक है। बात एक ही हुई, सेंटेंस ऐड हो गया, अब आपको समझ में आ गया। अब आप थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट को अपने आप से करेंगे, एस डब्ल्यू है, और आगे मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट करके ज़रूर बताएंगे। अगला मैं आपको बताने चल रहा हूँ। नाउ लेट्स कम ऑन द पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है बच्चों? इसके पहले हमने आपको बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब को इन्फिनीटिव के द्वारा बनाते हैं। इन्फिनीटिव ना, यूज ऑफ इन्फिनीटिव आपने पढ़ा कि वर्ब के पहले जब टू लगा देते हैं तो वो बन जाता है यूज ऑफ इन्फिनीटिव, इसको आपने पढ़ लिया। तो नॉन फाइनाइट वर्ब थ्री टाइप के होते हैं, पहले ही हमने बताया। पहला टाइप हो गया इन्फिनीटिव, यूज ऑफ इन्फिनीटिव। दूसरा टाइप है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल जरा सा सुन लो, पार्टिसिपल थ्री टाइप के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें आप वर्ब प्लस आईएनजी ऐड करते हैं, ठीक। सेकंड होता है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक, जिसमें आप वी का थर्ड फॉर्म, इस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और एक होता है, एक मिनट बच्चों, परफेक्ट, इसको मैं इरेज कर दूं, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या होता है, इसमें होता है बेटा हैविंग प्लस वी थर्ड, हैविंग प्लस वी थर्ड लगाकर बनाते हैं। बेसिकली आप यहाँ जान लीजिए जो यूज हुआ है, देखिए प्ले के साथ आईएनजी जुड़ा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है, यही आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। और उंड है, उंड, उंड, उड के साथ ईडी जुड़ा है, ईडी, और यह वी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक, मीन्स पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये भी बन गया आपका नॉन फाइनाइट वर्ब, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए लिखा भी गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बाय एडिंग आईएनजी टू द बेस ऑफ फॉर्म ऑफ अ वर्ब। सेकंड, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बाय एडिंग ईडी, ईडी इट्स द फॉर्म आर द वर्ब आर फॉर्म बाय इररेगुलर वे। कहने का मतलब थर्ड फॉर्म में होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म और यहाँ वर्ब का इंग फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का इंग फॉर्म से बनता है और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है, ठीक। वर्ब का थर्ड फॉर्म रेगुलर अथवा इरेगुलर दोनों में हो सकता है, आप इसको जानते हैं, पढ़ चुके हैं पहले। अब उसी टाइप के एग्जांपल यहाँ दिए गए हैं, एक्सरसाइज आपको करना है। अंडरलाइन द पार्टिसिपल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पार्टिसिपल को अंडरलाइन कीजिए, फर्स्ट में आयशा गर्ल्स कैरिंग, देखिए वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा है, ये क्या है, पार्टिसिपल बन गया बेटा। सेकंड में आई हर्ड द डॉग बार्किंग, देखिए बेटा हर्ड आया, हर्ड क्या है, फाइनाइट वर्ब ना,
सा देखिए यहाँ फाइनाइट वर्ब है, कैरिंग नॉन फाइनाइट, हर्ड फाइनाइट वर्ब एंड बार्किंग वर्ब में आईएनजी जुड़कर आया है, बार्किंग नॉन फाइनाइट वर्ब है। हेमा गेव, गेव तो फाइनाइट वर्ब है, समझ में आया। क्राइंग, इस पर आपको अंडरलाइन लगाना है, क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब, और क्या है यूज क्या हो रहा है, पार्टिसिपल के यूज से बनाया गया नॉन फाइनाइट वर्ब है। ऐसे ही फोर्थ नंबर पर देखिए, मैनी कल्चर्स वर्शिप राइजिंग, राइजिंग वर्ब में आई एन जी जुड़ा है, समझ गए, मीन्स नॉन फाइनाइट वर्ब किसके द्वारा बना गया, किसकी सहायता से, पार्टिसिपल की सहायता से। मैं आपको फोर्थ बता दिया हूँ, फोर्थ बता दिया, देखिए कैरिंग, बार्किंग, क्राइंग, राइजिंग, आई एन जी वर्ब में जुड़ा है, मीन्स नॉन फाइनाइट वर्ब है। और कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक। इसके पहले भी इसमें फाइनाइट वर्ब भी है, देखिए वाज, असा, हर्ड, गिव, ठीक है, ये हो गया। अब आपको मैं एक वर्ब यहाँ दे रहा हूँ, मैं फोर बताया तो आप भी कुछ कीजिए, 5, 6, 7, 8 आप इसको अंडरलाइन करेंगे अपने आप से, और ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक। यस स्टूडेंट, ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग अ पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल का यूज करके आपको दो सेंटेंस को एक में करना है, ज्वाइन करना है, कैसे मैं बताता हूँ। आई सैट इन द बस, आई सॉ रॉबिन एंटर द होटल। अब आपको पार्टिसिपल का यूज करना है, आपको पता है पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं, वर्ब में आई एन जी ऐड करके, ठीक है। तो देखिए हमने बताया भी है आपको कि एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि दो सेंटेंस में दो बार आई आया है, दो बार आई आया है ना, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, लेकिन एक सेंटेंस जब बनाएंगे तो एक ही बार सब्जेक्ट आना चाहिए, है ना। तो बस एक सब्जेक्ट लगाना है, एक आई को हटा दीजिए, देखिए आई सा ये दो है, इसको रिमूव करके सा का फॉर्म होता है सी, और सी में आई एन जी ऐड कर दीजिए, बात ख़त्म, ठीक है। आई सा को कट कीजिए और सींग ऐड कर दीजिए, बस क्या बन जाएगा, आई सैट इन द बस सींग रॉबिन इंटर द होटल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड का, ट्रेवलर वाज एग्जॉस्टेड सी सैट अंडर अ ट्री। अब फिर देखिए, अब देखिए क्या करना है आपको, आपको यही करना है कि सी सैट को कट कर दीजिए और सीटिंग नोट कर दीजिए, सेंटेंस को ऐड करके एक बना दीजिए। थर्ड देखिए, बिगर वाज वेयरिंग टर्न क्लॉथ, ही लुक्ड मिजरेबल, ही लुक्ड मिजरेबल। अब आप ही लुक्ड को कट कीजिए और लुक को लुकिंग बनाइए, लुक को क्या बनाइए, लुकिंग, ही लुकिंग मिजरेबल, ओके। मैंने यहाँ पर नोट किया बच्चों, आप देख लेंगे वीडियो को पॉज करके अथवा स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। फोर्थ नंबर देखिए, सैला और अ न्यू ड्रेस सी वेंट टू मैरी, ठीक, सी वेंट टू मैरी, सी वेंट को कट कीजिए, गोइंग टू मैरी, ठीक है, गोइंग टू सॉरी गोइंग टू पार्टी, पार्टी नोट कर दीजिए, ठीक। ऐसे फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर में क्या रहेगा, द चेयर वॉज पेंटेड रिसेंटली, द बॉयज सैट ऑन इट। इसमें आपको करना क्या है, देखिए यहाँ से सेंटेंस में यहाँ से नोट करेंगे, द बॉय सैट ऑन इट को कट करके, बॉय सीटिंग ऑन, सीटिंग ऑन उसके बाद द से, द कहाँ है, यहाँ से द चेयर वाज पेंटेड रिसेंटली, यहाँ इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, यहाँ से ऐड कर देंगे, द बॉयज सीटिंग ऑन द चेयर वाज पेंटेड रिसेंटली। आई होप गाइज यू अंडरस्टूड। और सिक्स नंबर, आई हर्ड अ लाउड स्क्रीम, इट केम फ्रॉम द हाउस। आई हर्ड अ लाउड स्क्रीम, आई हर्ड अ लाउड स्क्रीम, इट को काट दीजिए बेटा और केम को कमिंग बना दीजिए, कमिंग, कमिंग फ्रॉम हाउस, आई हर्ड अ लाउड स्क्रीम कमिंग फ्रॉम द हाउस, ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं, सेवन नंबर, तनु वॉक अलॉन्ग द रोड सी सा हर आंट राइडिंग अ हॉर्स। इसको आप इतना कट कर दीजिए जो मैं रेड से सर्कल किया हूँ, और राइडिंग ऑन अ हॉर्स ऐड कर दीजिए, यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा सेंटेंस, द तनु वॉक अलॉन्ग द रोड राइडिंग अ हॉर्स, ठीक। अब आइए एट पर, रेशमा वॉज डिसअपॉइंटेड टू द फूड एट
इटोपिया सी कट कीजिए, इट स्टॉप्ड गोइंग देयर। रिश्मा वॉज डिसअपॉइंटेड विद द फूड एट इटोपिया, स्टॉप गोइंग देयर। ठीक, सी को कट कीजिए, बाकी आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा और ऐड भी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं बच्चों। यस, नेक्स्ट रूल है जिरंड। जिरंड क्या होता है इसको हमें सीखना है बेटा। जिरंड भी नॉन फाइनाइट वर्ब का एक टाइप है। इसके पहले आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में, नॉन फाइनाइट वर्ब थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा यूज ऑफ इन्फिनिटिव, दूसरा टाइप हमने पढ़ा पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल, और थर्ड है जो कि हम पढ़ने चल रहे हैं अब द जिरंड। ठीक है, इस प्रकार से नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन प्रकार होते हैं, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जिरंड। आप समझ गए, तो दो हमने पढ़ लिया, जिरंड को पढ़ना है। जिरंड में क्या होता है बेटा, जिरंड में भी हम वी प्लस आई एन जी लगा करके सेंटेंस बनाते हैं। अब एक बार मैं बता दूं, पार्टिसिपल में भी वर्ब प्लस आई एन जी लगा के नॉन फाइनाइट वर्ब बनाया जाता है, और जिरंड में भी वर्ब प्लस आई एन जी मीन्स वर्ब में आई एन जी लगा के नॉन फाइनाइट वर्ब बनाया जाता है। लेकिन पार्टिसिपल और जिरंड में बस इतना फ़र्क है कि जिरंड सब्जेक्ट का काम करता है और पार्टिसिपल सेंटेंस के मिडिल में आता है, और केवल वह नॉन फाइनाइट वर्ब का काम करता है, ना कि सब्जेक्ट का काम करता है। लेकिन जिरंड में नॉन फाइनाइट वर्ब का काम भी करता है और सब्जेक्ट का काम करता है। देखिए यहाँ एग्जांपल है, सिंगिंग इज़ माय हॉबी। अब सिंगिंग देखिए, सिंग में आई एन जी ऐड है ना, सिंग में आई एन जी ऐड है सिंगिंग, और सब्जेक्ट के प्लेस पर आया है, एक कौन सा प्लेस है सब्जेक्ट का, इसलिए जिरंड है, इज़ माई हॉबी। तो बन गया यूज ऑफ जिरंड और सब्जेक्ट। ठीक है, अगला एग्जांपल है आई लव सिंगिंग। सिंगिंग देखिए, सिंगिंग आया है, सिंग में आई एन जी ऐड है और जिरंड है। कैसे जिरंड है, क्योंकि सिंगिंग एक प्रोफेशन की बात कही जा रही है, मुझे सिंगिंग करना पसंद है, सिंगिंग एक नाउन के रूप में आया है, इसलिए जिरंड है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। देखिए वेटिंग जो है ये भी एक सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, कर्ता के रूप में आ रहा है, इसलिए जिरंड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, लास्ट एक्सरसाइज है, अब लास्ट एक्सरसाइज है और देखते हैं। अंडरलाइन द इन्फिनिटिव पार्टिसिपल जिरंड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इस सेंटेंस में इन्फिनिटिव पार्टिसिपल और जिरंड पहचानना है, अंडरलाइन करना है। देखिए गैम्बलिंग पहला ही मिल गया आपको, क्या है अभी पहले ही हमने जस्ट बताया, कीवर्ड में आई एन जी जुड़ा हो और सब्जेक्ट के प्लेस पर आया हो मीन्स सब्जेक्ट का काम करता हो तो जिरंड होता है। तो बस अंडरलाइन कीजिए और यहाँ पर जी बना दीजिए, जिरंड। ठीक, मैंने यहाँ बनाया भी है आपके आसानी के लिए, लिखा भी है। स्टीलिंग, स्टीलिंग मिडिल में आया है, पार्टिसिपल हो गया। ठीक, देखिए यहीं से अंतर देख लीजिए दोनों में, कि गैम्बलिंग सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है इसलिए जिरंड है, और स्टीलिंग जो कि इसमें भी आई एन जी ही ऐड है लेकिन सेंटेंस के मिडिल में आया है और सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, इसलिए इसको पार्टिसिपल कह रहे हैं। प्लेइंग, प्लेइंग क्या है सब्जेक्ट के प्लेस पे है, जिरंड बन गया। टू गो, वर्ब के पहले टू लगाते हैं तो क्या बनता है, इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव नोट कर लीजिए। फाइव नंबर टू प्ले, ये भी इन्फिनिटिव है। स्मोकिंग, जिरंड। टू सी, इन्फिनिटिव है ना, समझ में आ रहा है। एट नंबर डांसिंग, देखिए मिडिल में आया है, पार्टिसिपल है। नाइन नंबर देखिए टू डू, इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, टू आ गया है वर्ब के पहले। और टेन नंबर देखिए द न्यू लॉ ऑफ आर्बिट कटिंग, कटिंग मीन्स आई एन जी वर्ब के साथ ऐड है मीन्स पार्टिसिपल है। ठीक बच्चों, तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीन शॉट लेकर के आप इसको फिल कर लेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। और हाँ, आज की वीडियो अब यहीं समाप्त होती है, चैप्टर आपका फिनिश हुआ,
अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन तो लाइक करें और क्लासमेट में शेयर करें, और हाँ वीडियो के इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।